तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो क्लॉक ऐप होता है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है और कुछ नए फीचर या फिर बोल सकते हैं कुछ वहां पर चेंजेस किए गए हैं। तो क्या नया चेंजेस किए गए हैं, क्या नया अपडेट आया है, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग क्लॉक ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको मैं सीधा देता हूँ गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के आप देखेंगे दोस्तों ये जो नया अपडेट है, या नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस ऐप का वर्जन है 12.1.21.1 वर्जन है, जो कि अपडेट रिलीज हुआ है 11 जुलाई 2022 को इसको रिलीज किया गया है, जो कि है 24.27 MB का। दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो अपडेट्स है मिड रेंज मोबाइल में थोड़ा लेट आता है और जो प्रीमियम मोबाइल होता है उन पर पहले आ जाता है। तो यहां पर दोस्तों इस अपडेट में क्या किया गया, इस अपडेट में उन्होंने क्या बोला है, यहां पर किया गया था कैंसिल एंड सेव बटन ऑन द अलार्म एडिंग स्क्रीन हैव बीन इंप्रूव सो दैट यू अपीयर नॉर्मली व्हेन यूजिंग द हाईलाइट बटन फीचर इन एसिबिलिटी टर्न ऑन एंड अदर इंप्रूवमेंट किया गया। पहले मैं आपको बता दूं क्या उन्होंने इंप्रूव किया गया है और एक्चुअल में अपडेट होने के बाद क्या इंप्रूव होने वाला है। तो ये मैं आ गया हूं बाहर, ठीक है। अब मैंने विदाउट अपडेट करा है, यहां पर मैं सैमसंग की क्लॉक ऐप पहले आपको खोल के दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने अपने दूसरे उसमें अपडेट करके दी। ये सैमसंग की क्लॉक ऐप मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कोई सा भी एक अलार्म को यहाँ पर ओपन करा है। यहाँ पर ओपन करने के बाद आप नीचे देखेंगे जो कैंसिल और सेव बटन है वहाँ पर खाली बटन का नाम बटन दिख रहा है और ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप देख रहे होंगे नाम नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये नाम नहीं दिख रहा है, इसको अपडेट में उन्होंने रेक्टिफिकेशन किया है। साथ में उन्होंने बोला है कि अगर आपको तब भी नहीं दिखते तो आपको एक फीचर को ऑन कर लेना है। यहाँ सेटिंग पे जाके सेटिंग पे जाना है, नीचे जाना है एसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे, यहाँ जाना है आपको विजिबिलिटी इनहांस पे और आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है हाईलाइट बटन, कि अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो उसके बाद आपको वो दिखने लग जाएंगे उस अपडेट के बाद। तो मैंने ये पहले से ही ऑन करके रखा है, उसके बाद भी मेरे पास अभी सैमसंग क्लॉक ऐप में अभी वो कैंसिल और सेव बटन नहीं दिख रहा है, बट अपडेट के बाद भी आपको इसको ऑन करना रहेगा और उसके बाद आपको वहां पर वो विजिबल हो जाएगा। तो आप देखते हैं उसको अपडेट कर लेते हैं, मतलब कि फीचर नहीं है, खाली उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पर किए गए। अब मैंने इसको अपडेट कर लिया है, मतलब अपडेट पर डाल दिया। अपडेट करने के बाद मैं आपको वापस वहीं ले जाऊंगा और वहां पर अपन देखेंगे उसके बाद कि अपडेट होने के बाद वो जो एक्चुअल में प्रॉब्लम थी कैंसिल और सेव बटन का जो ऑप्शन नहीं दिख रहा था वो सोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ। मैं दोनों चीज करके देखूंगा, हाईलाइट को ऑफ करके भी देखूंगा, ऑन करके भी देखेंगे तो क्या दिखता है। तो उसको होने देते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब मैं यहां पर आया तो अब आप देखेंगे यहां पर आपको कैंसिल और सेव बटन का हाईलाइट बटन दिख रहा है। आप दिख रहे होंगे कैंसिल और सेव बटन आपको क्लियरली विजिबल दिख रहा है। इवन अब मैं अगर यहां से इसको नॉर्मल मोड पे या बोल सकते हैं डार्क मोड की जगह अगर मैं लाइट मोड पे भी करूंगा तो भी आपको वो क्लियरली विजिबल होगा। लाइक आप देखेंगे जैसे मैंने डार्क मोड लाइट मोड पे कर लिया है, लाइट मोड पे जाने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको इजिली विजिबल हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अब जो मैंने ऑन करा था हाईलाइट फीचर उसको ऑफ करके देखते हैं क्या होता है। अब मैंने हाईलाइट बटन वाला फीचर इसको मैंने यहां पर ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद वापस यहां पर आ गया सैमसंग क्लॉक ऐप में। सैमसंग क्लॉक ऐप में देखेंगे आप यहां पर अभी लाइट में तो मुझे कैंसिल और सेव यहां पर दिख रहा है। अब मैं करता हूं इसको डार्क मोड, ठीक है। अब डार्क मोड में क्या होता है, दिखता है नहीं दिखता वो पता चलता है। मैंने डार्क मोड पे कर लिया। डार्क मोड पे आने के बाद डार्क मोड पे भी मतलब दिख रहा है आपको, हाईलाइट का फीचर ऑन करने की जरूरत भी नहीं रहेगी तो भी आप यहां पर कैंसिल और सेव बटन आपको वहां पर विजिबल रहेंगे। तो यही नया अपडेट था। और उसके बाद वापस अगर आप देखेंगे, वापस आपको सैमसंग यहां पर ले जा रहा हूं, इसके बाद देखेंगे यहां पर और यहां पर कुछ चेंजेस नहीं किए गए, सिंपली कैंसिल और सेव बटन की जो प्रॉब्लम थी उसको रेक्टिफाई कर दिया गया और साथ में अदर इंप्रूवमेंट किए गए और जो भी कुछ अदर बग्स होंगे उसको यहां पर फिक्स किया गया। दोस्तों यही नया अपडेट था सैमसंग क्लॉक की तरफ से, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं यार मेरी वीडियो में आपको क्या कमी लगी। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में नोटिफिकेशन वाला आइकन आता है उसको दबाना भी मत भूलो यार। आप लोग जब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं और ज्यादा मोटिवेट कैसे होऊंगा और अच्छी अच्छी वीडियोज लाऊंगा कैसे। तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले। दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा, मैंने जैसा कि मैंने आपने पहले ही बता चुका हूं कि मैंने एक नया वी ब्लॉग चैनल स्टार्ट करा है। अब उसमें मैंने सेकेंड वी ब्लॉग अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके उसको जरूर देखें। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जाके वीडियो को जरूर देखें और मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वो वी ब्लॉग कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों।